हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल अग्रावत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इस टीवी को हम रिपेयर करने वाले हैं और इसमें देख सकते हैं एच लाइन आ रही है और टीवी का नाम आप देख सकते हैं वेस्टर्न है। तो इस फॉल्ट में कौन कौन से कंपोनेंट ख़राब होते हैं और किस सेक्शन को चेक करना होता है, सब कुछ इस वीडियो में आगे दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। तो चलिए देखते हैं इसमें बोर्ड कौन सा लगा है। तो देखिए दोस्तों, ये वाला बोर्ड इसमें लगा हुआ है, चाइनीज बोर्ड। तो सबसे पहले हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं कि कहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं सब कुछ। तो चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले 110 वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 122 वोल्ट आ रहा है और इसके बाद यहाँ पर 11 वोल्ट आ रहा है और यहाँ पर 29 और यहाँ पर देखिए वर्टिकल आईसी पर भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर 28 वोल्ट, 29 वोल्टेज ओके आ रहे हैं और ये 5 वोल्ट, 8 वोल्ट भी सही है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वर्टिकल सेक्शन की वजह से आती है। तो ये आईसी, इस आईसी को देखना है। तो पहले इसके वोल्टेज हम देख लेते हैं, क्योंकि वर्टिकल सेक्शन में खराबी की वजह से ही लाइन आती है। तो वर्टिकल आईसी के ऊपर वोल्टेज लगभग सभी सही आ रहे हैं। इसके बाद हम वर्टिकल आउटपुट, जो ये वर्टिकल योग के वायर हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर हमें वर्टिकल सप्लाई में जाने वाली वोल्ट के आधे वोल्ट मिलने चाहिए, तो ये वोल्टेज भी ओके है। तो दोस्तों, आखिर प्रॉब्लम क्या है? ये लाइन बनी हुई है, देखिए प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम है इसमें। जो ही हम बोर्ड पे हाथ मारते हैं इस तरह से, तो ये लाइन जंप करती हुई नज़र आती है और कभी कभी राष्ट्र भी पूरा आ जाता है, देख सकते हैं। तो यही फॉल्ट इसमें है। और ये देखिए सबसे बड़ा मेन फॉल्ट, ये सीपीयू आईसी है, सबसे बड़ी वाली आईसी। इस आईसी की सभी पिनें आप गौर से देखिए, मैं यहाँ पे आपको अच्छी तरह दिखा रहा हूँ। सभी पिनें ड्राई शोल्डर है, देखिए सभी पिने लूज है, पीसीबी से डिस्कनेक्ट हो चुकी है, देख सकते हैं आप। और इसी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है। इसके अलावा और भी कई तरह के फॉल्ट इसमें आ सकते हैं, क्योंकि सभी पिने आईसी की अगर लूजिंग है तो कई तरह के फॉल्ट आएंगे, टीवी ऑन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ऑन तो हो रहा है और ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की दोनों सेक्शन की कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। और ये प्रॉब्लम आने का रीज़न सबसे बड़ा यही है, मेन आईसी की सभी पिने ड्राई शोल्डर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अगर कोई सा भी फॉल्ट टीवी में अगर आ रहा है, तो आपको कंपोनेंट चेक करने के साथ साथ इस तरह से ड्राई शोल्डरिंग पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो मैंने सभी पिनों को फिर से शोल्डर कर दिया है और इस तरह से थोड़ा बहुत पिनों को साफ करना है, क्योंकि दो पिने अगर टच होंगी तो फॉल्ट हो सकता है। तो चिमटी के द्वारा और ब्रश से इसे हम अच्छी तरह से साफ कर लेंगे, क्योंकि इस फॉल्ट में देखिए कोई कंपोनेंट ख़राब नहीं है, ये प्रॉब्लम लूजिंग की वजह से है। तो अब चेक करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, राष्ट्र आ चुका है और इस ड्राई शोल्डरिंग की वजह से ही ये फॉल्ट आ रहा था। और भी कई तरह के ऑडियो वीडियो के भी कई तरह के फॉल्ट इसमें आ सकते हैं। तो इसको मैंने क्लीन भी किया और अब हमारा टीवी ओके है, कोई भी कंपोनेंट ख़राब नहीं है। ऑडियो वीडियो लगा करके भी देख लेते हैं। तो चलिए
पिक्चर आ चुके हैं, अब किसी तरह का कोई भी फॉल्ट इसमें नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना।